हाउ टू विन ट्रस्ट इजिली, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा कैसे जीतें और उन्हें अपना गुलाम कैसे बनाएं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आज के बाद आप लोगों का भरोसा चुटकियों में जीत लेंगे। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अपनी गुलामी दे देंगे कि ये लो मैं आपके सामने सर झुकाता हूं, वो आपके गुलाम बन जाएंगे और आप राजाओं की तरह लीड करोगे, एक लीडर बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे और लोग आपकी पूछ करेंगे, हर जगह आपकी चर्चा होगी। ये वीडियो में थोड़ा मैं आपको डार्क पॉलिटिक्स समझाऊंगा, तो गुस्सा मत करना, चिढ़ना मत, थोड़ी चालबाजियां सिखाऊंगा, थोड़ा चंट चलाक कैसे बनते हैं वो बताऊंगा, तो डार्कर साइड बताऊंगा, तो जो ईमानदारी वाला आपका पलड़ा है ना वो थोड़ा बुरा मान जाएगा, तो थोड़ा बच के है ना वीडियो को तभी देखना जब एंड तक देख पाओ, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ना चालबाजी वाली, अगर आधी अधूरी सीखोगे तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे और ज़िंदगी में आगे तो क्या बढ़ोगे, पीछे गिर जाओगे। तो अगर पूरी देख सकते हो तभी देखना, और नहीं तो प्लीज़ वॉर्न करो, इस वीडियो को अभी छोड़ दो। सबसे पहली चीज़, शो यू डिड समथिंग फॉर देम, ऐसा दिखाओ कि आपने उनके लिए कुछ किया है। मैं ये भी कह सकता था कि कुछ करो उनके लिए, लेकिन मैंने कहा ऐसा दिखाओ कि आपने उनके लिए कुछ किया है। अक्सर क्या होता है कि जो हमारा ईमानदार वाला कैरेक्टर होता है ना, वो हमेशा कहता है कि लोगों की अच्छाई करो, एक हाथ से कुछ काम करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, नेकी करो दरिया में डालो, बड़े बड़े बाबा ये लोग बताते हैं। लेकिन वो बाबा ये भूल जाते हैं कि जब वो अपने डोनेशंस को बता रहे होते हैं कि हमने इतने का डोनेशन किया, हमने ये किया है, वो किया है गरीबों के लिए, तब वो चीज़ कहाँ जाती है कि एक हाथ से दो और दूसरा हाथ को पता भी ना लगे हैं। तो ये सारी दुनिया की इमेज ऐसी ही चल रही है भाई, दुनिया बदतमीज़ हो चुकी है, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ये यूट्यूबर्स जो होते हैं बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि ये मत करो, वैसा मत करो, खैर मैं भी एक यूट्यूबर हूँ मगर फिर भी, और वही दिखा रहे होते हैं कि हमने इतने का डोनेशन दिया है, हम इतने की स्ट्रीम कर रहे हैं गरीबों के लिए। कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों दिखा रहे हो, अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है, सब मिलता है, और मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ऐसा दिखाओ कि आपने उनके लिए कुछ किया है। दुनिया देखती है, जो दुनिया को दिखाओगे वही वो देखती है, वही वो मानती है। पीठ पीछे किसी के लिए अच्छा काम करोगे किसी को परवाह नहीं होगी, किसी को खबर नहीं होगी, फिर यही बोलते रहोगे मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया लेकिन उसने मेरी कदर नहीं समझी, और वो तो उसके पास चला गया, उसने तो उसके लिए कुछ किया भी नहीं था, क्योंकि उस इंसान ने उसको ये दिखाया कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो रिस्पेक्ट अर्न करने से मिलती है, वैल्यू अर्न करने से मिलती है ना, एक्शन से नहीं मिलेगी यार, कोई सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा तुम उसके लिए क्या क्या कर रहे हो पीठ पीछे, है ना। तो दिखाओ, मतलब करो भी उसके लिए अच्छी चीज़ें, लेकिन दिखाते भी रहो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ें की हैं। अब सवाल उठता है कि सामने वाले को ऐसा कैसे दिखाएं कि हम उसके लिए इतना कुछ करते हैं, क्या डायरेक्ट जाके उसके मुंह पे बोल दें क्या कि हम तुम्हारे लिए देखो इतना कुछ करते हैं, हमारी वैल्यू को समझो, हमारी रिस्पेक्ट करो। नहीं, ये चीज़ें बोलनी नहीं होती हैं, करके दिखानी होती हैं सबकॉन्शियसली। कैसे? कि जैसे एक एग्जांपल है कि जब भी उसकी कोई हेल्प किया करो तो जितना टाइम रिक्वायर्ड हो उससे ज़्यादा मांगा करो। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ जाओगे, जैसे कि आपके फ्रेंड का कॉल आता है कि यार सुन मेरा जो छोटा भाई है ना उसको एक कॉलेज दिलवाना यार, इंजीनियरिंग वाला, 12th पास हो गया है, कुछ एक अच्छा सा कॉलेज बताना, तूने तो इंजीनियरिंग की हुई है तुझे तो पता ही होगा। अब एक तो साइड ये हो सकता है कि आप तुरंत बकने लग जाओ कि हाँ 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 ये वाला दिल्ली में है, ये वाला हैदराबाद में है, ये वाला चेन्नई में है, चेन्नई वाला थोड़ा महंगा बनेगा क्योंकि वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट वाले के लिए दिल्ली में कर लो, यूपी में ये वाला है, लखनऊ में ये वाला है, ऐसे 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 ये कर लो। एक तरीके से तो आपने अच्छी हेल्प की, हो सकता है आपने बहुत अच्छी सजेशंस उसको दिए हो, एकदम परफेक्ट आपको ज्ञान रहा उस चीज का, लेकिन वो आपकी इतनी कदर नहीं करेगा। दूसरा साइड इसका ये हो सकता है कि आप उसको बोलो ओके कॉलेज चाहिए, अच्छा यार मैं तेरे को कल बताऊँ, थोड़ा सोच समझ के मैं थोड़े फ्रेंड से बात करता हूँ, थोड़ा इस पर पूछ के थोड़ा समझ के बताता हूँ और फिर तेरे को बताता हूँ एक अच्छा सा कॉलेज, है ना। तो इसमें वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, वो आपकी वैल्यू को समझेगा, आपकी इमेज कितनी अच्छी बनेगी कि वाह देखो इंसान ने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, इतना उसका कीमती टाइम है और उसने मेरे लिए टाइम निकाला, वो एक दिन देखेगा, समझेगा, रिसर्च करेगा, अपने फ्रेंड्स से पूछेगा। और बेशक तुम घंटा ना पूछो किसी से, यूं ही बक दो कोई भी कॉलेज, दो चार कॉलेज का नाम, लेकिन आपने दिखाया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें की, इतनी बड़ी चीज कर दी। तो लोगों को बातों बातों में ये बताना जरूरी है कि मैंने इतना टाइम निकाल के लिए तुम्हारे लिए किया, इतना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए वो किया। तो ये बताते रहा करो छोटी छोटी चीजें। किसी के बर्थडे पे जाओ तो उसको दिखा दिया करो कि अरे ऑफिस से बड़ी मुश्किल से मेरे को ऑफ मिला है, पता नहीं इतना काम था ना, बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफ लिया है, लेकिन यार तुम्हारा बर्थडे इंपॉर्टेंट था। ये छोटी सी लाइन, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को दिखाते रहो कि आपने उसके लिए इतना कुछ किया है। इसके लिए अगेन आपकी बातों में दम होना चाहिए,
ऐसा ना लगे कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो और एहसान जता रहे हो। जब एहसान जताने वाली चीज़ दिख जाती है तो आपकी वो नेगेटिव साइड बन जाती है, लेकिन जब आप स्मार्टली इन चीज़ों को बता देते हो सामने वालों को तो आप एक कहीं ना कहीं अच्छे इंसान बन जाते हो, अच्छी इमेज वाले कि देखो इसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करता है। तो ये कुछ डार्क पॉलिटिक्स होती हैं जो कि आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसी एक पॉलिटिक्स ये होती है कि सामने वाले इंसान की तब हेल्प करनी चाहिए जब उसकी हेल्प कोई भी ना कर रहा हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि सबकी हेल्प करना चाहते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं, बहुत बार हेल्प करते हैं लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और पता चलता भी तो इतनी कुछ कदर होती नहीं है हमारी, लोग हमारी वैल्यू को समझते नहीं है, अपनी साइड से हम बहुत उसकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो हेल्प करने के लिए जब सारे लोग होंगे, सभी हेल्प कर रहे होंगे, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन इंसान की अगर आप तब हेल्प करो जब उसकी हेल्प कोई भी ना कर रहा हो, तो देखो उसके लिए आप कितना बड़ा एहसान कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है और मैंने अपने फ्रेंड से मांगे, तो फ्रेंड्स तो दे ही देंगे, 100 रुपये कौन नहीं देता, दे देगा कोई ना कोई। मैं क्या उसकी ज़्यादा कुछ करूँगा कि इसने इतना बड़ा एहसान मेरे लिए कर दिया, 100 रुपये दे दिए, नहीं, क्योंकि 100 रुपये देने के लिए बहुत पड़े हैं। ऐसे अगर मेरा ब्रेकअप होता है, मैं किसी फ्रेंड को कॉल सुनाता हूँ, कॉल मिलाता हूँ कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ यार, प्लीज़ यार ऐसा हो गया वैसा, वो मुझे मोटिवेट कर देगा, कोई बड़ी बात कर दी, नहीं। ये सारे लोग होते ही ऐसे हैं, चालबाजी होते हैं, सबको मज़ा आता है, मसाला मिल जाता है कि इसका ब्रेकअप कैसे हुआ, देखो पता लगाएं, तो ये सब कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार ऐसे ऐसे मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको ऐसे ऐसे उनका ऑपरेशन होना है, 50,000 रुपीज़ चाहिए, कोई मेरी 50,000 की हेल्प करेगा, अब देखो तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, अब देखो कौन तुम्हारा सच्चा जिगरी यार है जो तुम्हारे साथ घूमा करता था, टफरी मारा करता था, कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में एक वो इंसान सामने आ जाए तुम्हारे, जो कि आपके साथ इतना कभी रहा भी नहीं, इतना अच्छा दोस्त कभी रहा भी नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें 50,000 रुपये दे दे, तो तुम उसका ये एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे लिए वो चीज़ें की हैं जो कि किसी ने नहीं की, जो कि कोई सामने नहीं आया करने के लिए। तुम्हारे अच्छे से अच्छा दोस्त, तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा कोई कज़न, अच्छे से अच्छा रिलेटिव, तुम्हारे अंकल, तुम्हारी आंटी, कोई नहीं आया, लेकिन वो इंसान आया। ऐसे में हम लोगों की कदर करते हैं। तो याद रखो, सामने वाले के इंसान की तब हेल्प करना मत भूलना जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उस हेल्प की, यानी कि आपकी, तभी आप उसकी नज़रों में चढ़ पाओगे, तभी वो इंसान आपकी हेल्प करेगा, तभी इंसान आपकी कदर करेगा, वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और चर्चा करेगा आपके बारे में कि देखो इस इंसान ने मेरे लिए ये किया है। अगेन, आपकी इमेज अच्छी होगी और आप कहीं ना कहीं उनके गुड बुक्स में शामिल हो जाओगे। अच्छा, एक और चीज़ तुम समझ लो कि कभी भी ये गलती मत करना कि किसी इंसान के लिए कुछ तुम करो और वो चीज़ तुम किसी गैर को बता रहे हो, थर्ड पर्सन को बता रहे हो, थर्ड पार्टी को बता रहे हो। ये चीज़ भूल कर भी मत करना, ये तुम्हें एक ऐसा घात पहुंचाएगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, ये तुम्हारी इमेज को और ख़राब कर देगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी को और डाउन कर देगी। जैसे कि अगर तुमने उसको कॉलेज सजेस्ट किया उसके भाई के लिए, तो ये नहीं है कि उसके जो तुम्हारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो उसको भी जानता है, तुम्हें भी जानता है, उसको तुम बके जा रहे हो, अरे पता है मैंने उसकी ना हेल्प करी, अरे पूछ रहा था मेरे से कि कॉलेज चाहिए, तो मैंने तो बता दिया। क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है खुद को बड़ा दिखाने की, खुद जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो चाहते हैं कि लोगों को बताऊं कि देखो मैंने ये अच्छा काम किया, देखो मैंने वो अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया है। जहाँ दिखाने की जरूरत होती है वहाँ नहीं दिखाते हैं, थर्ड पर्सन को दिखा रहे, मैंने उसके लिए ये किया वो किया। ये तुम्हारी इमेज को बहुत डाउन कर देगी। ऐसे दो नुकसान होते हैं, जिसको तुम बता रहे हो वो तो मन में सोचेगा ही सोचेगा कि इस साले से हेल्प तो नहीं मांगनी, ये साला तिगड़मबाज है, चुगली करेगा, हेल्प करेगा, मेरी 10 जगह बांटेगा, तो इससे तो हेल्प नहीं मांगनी। और दूसरा क्या होगा जो कि सबसे बड़ा नुकसान होगा, कि अगर उस बंदे ने उसको बता दिया जिसकी तुमने सच में हेल्प की थी, तो तुम्हारी और जो किया धराया था ना सब वेस्ट जाएगा, इतना अच्छा काम किया सब वेस्ट गया, इमेज अच्छी तो क्या बनती और खराब बन जाएगी। तो चालबाजी एक ऐसी चीज है जो कि पीठ पीछे की जाती है, बड़ी चलाकी से की जाती है। इंसान चलाक वही होता है जो अपनी चलाकी को पता भी ना चलने दे। अगर आपने दिखा दिया कि आप बहुत चलाक हैं, तो आप चलाक नहीं, आप एक मूर्ख हैं। चलाक व्यक्ति वो होता है जो अपनी चलाकी को छुपा के काम करता है, जो दिखाता है लोगों की वो मूर्ख है लेकिन वो चलाक होता है ना। तो ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, डार्क पॉलिटिक्स ऐसे होती है। डार्क पॉलिटिक्स का ये पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे लोगों की कमजोरी जानी जाती है, कैसे लोगों की कमजोरी जानकर उनको अपना गुलाम बनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर आपने कमेंट्स में बताए और बहुत लोगों के कमेंट्स आए, तो मैं पक्का पार्ट 2 बनाऊंगा, कल ही बना दूंगा, है ना। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज अगर मेरे को दिखे अच्छे हैं, वीडियो अच्छी है, तभी वीडियो बनाने में मुझे ही मजा आएगा, है ना। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो हम कल बनाएंगे इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लोगों की कमजोरियां कैसे जानते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन तुम बन जाओगे, पॉलिटिक्स सीख जाओगे और लोगों को अपना गुलाम बना लोगे और लोग आपके कदमों के नीचे गिरे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।